हाय गाइस, मामूटी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं चिल्ली पिकल। तो आइए कैसे बनाती है दिखाती है। पहले मैंने मिर्च को धो के सुखा लिया है। उसके बाद हम मसाला को थोड़ी सी मतलब ड्राई फ्राई कर लेंगे। आप अपने हिसाब से जो भी मसाला डाल सकती है। हमने साबुत मसाला राय और सौंफ लिया है, उसको आप ग्राइंड करने के बाद हमने मस्टर्ड ऑयल लिया। मस्टर्ड ऑयल में मसाला को मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं मिर्च को, बीच में से काट के डाल रही हूँ। मिर्च देखने में बहुत तीखा जैसे लगती है, देखने में बहुत लंबे लंबे, पर ये तीखा वाला मिर्च नहीं है। थोड़ी थोड़ी तीखा होती है पर इतना ज़्यादा नहीं होती है। दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो देख रही हो तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। इसको अच्छे से मसाला को मतलब ये जितना मिर्च है उसमें अच्छे से अंदर तक घुसना चाहिए, तो खाने में थोड़ी टेस्टी लगती है मसाला के साथ। इसमें थोड़ी सी और नमक डालेंगे। आप अपनी स्वाद हिसाब से डाल सकते हैं, जितनी आपकी मिर्च है उसके हिसाब से डालना। अब हम इसमें एक किंग चिली भी डालेंगे। ये ज़्यादा तीखा होती है, जो नहीं खा सकते तो ना डालें। सिर्फ एक ही डाल रही हूँ ताकि इसमें थोड़ी सी मिक्स होकर थोड़ी तीखा होने से अच्छी लगती है अचार में। इसको आप अच्छे से मिक्स कर लेना ताकि पूरी नमक और जो मसाला है अच्छे से ये मिर्च के अंदर घुस जाए। हमने कुछ विनेगर कुछ ये सब नहीं डाली है। अगर आप ज़्यादा दिन रख के खाना चाहती हो तो आप विनेगर भी डाल सकते हैं, हमने इसमें नहीं डाली। अब हम अच्छे से इसको ढक के धूप में रख देंगे। देखिए बन के रेडी हमारी अचार। तो दोस्तों, आज मेरी ये रेसिपी आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।